मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब, उनका एक स्कैंडल वायरल हुआ है। एक्सट्रीम पेनल्टी होनी चाहिए। मुफ्ती कवी के बाद अब पेशे खिदमत है मुफ्ती आमिर खान साहब। आप वही है जो टिकटॉक पे आते हैं जी, जो शादियां करते हैं। अब जब से वायरल हुई है तो क्या फॉलोअर्स इंक्रीज हुए हैं? बहुत ज्यादा। पहले तो कुछ भी नहीं थे, ये 5 लाख तब से हुए। अच्छा, राबिया को देख के लगता नहीं है कि आपकी शादी को 10 साल हुए? माशाल्लाह बहुत यंग लगती है। मुझे देख के भी लगता है, लेकिन ये जो काम कर रहा है जल्दी करें। मैंने अपनी शादी लिया ना 4 काम करते जो अफोर्ड नहीं कर पाते ना, दर्जन बच्चे उम्मीद ही होते हैं। आप अब आयशा के सॉरी राबिया के इर्द गिर्द, आयशा मेरे मुंह से निकल गया, मुझे लगता है कहीं 5वीं आयशा ना हो जाए तो ये वीडियो फिर वायरल हो जाएगी। आप जितने पढ़ती 72 कर लेंगे, 72,000 कर लेंगे, 7200 कर लेंगे, सरदार उनको महंगी लेना आपको फिक्र होता है। नहीं वो अच्छी बात। तब मैं जन्नत में आपको उनसे ज्यादा प्यारी लग रही हूँ। अब तो आप उनके सारे दिन में। लम्हा न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट फेरा फैज। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान का सबसे फेमस और वायरल कपल। हमारे साथ मौजूद है आमिर खान साहब और उनकी ज़ौजा राबिया आमिर खान। आज का इंटरव्यू थोड़ा सा मुनफरिद होगा क्योंकि हम जानेंगे इनसे इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में। ये एक दूसरे को कैसे मिले, इनको इनकी क्या चीज़ पसंद आई, ये तो आप सब लोग जान चुके हैं, लेकिन इनके बचपन के ऐसे क्या शौक़ थे जो अब जाके पूरे कर रहे हैं ये लोग, ये खाते क्या हैं जो माशाल्लाह आमिर साहब इतने जवान होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और चौथी शादी के आगे इनके क्या प्लान हैं, ये सब जानेंगे हम आज इनसे। सबसे पहले मुझे ये बताएं, आप किस नाम से बुलाती हैं इनको? प्यार से क्या बुलाती हैं घर में? मैंने हेलो 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 फोन पे बात करते हैं आप लोग? नहीं, मैंने जब बुलाना होता है तो मैं बस आवाज देती हूँ, हेलो किधर है। और आप क्या बुलाते हैं इनको? मैं भी हेलो ही कहता हूँ। ये दोनों? हाँ, मैं इनको बुलाना हो तो मैं या राबिया या फिर हेलो हेलो, तो बेसिकली हम लोग का हेलो ही चलता है घर में। काफी इंटरव्यूज में आपके सुना कि 3 शादियां जो हैं वो आपकी इस वजह से नाकाम हो गई क्योंकि शायद उनमें बर्दाश्त नहीं थी या आपको बर्दाश्त नहीं थी, तो ऐसी क्या चीज़ आजमाते थे आप जो उनकी बर्दाश्त ही खत्म हो जाती थी? नहीं, वो कहते हैं कि जब रिश्ता किसी से खत्म हो जाए, कट जाए, तो ज़ुबान भी वहीं पे काट दो, तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। ऑब्वियसली वो 3 फेलियर्स हैं, तो आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि शायद गलती ज़्यादा मेरी ही होगी। तो ये चौथी शादी जो माशाल्लाह आप लोगों की चल रही है, इसका क्या राज है? इसका राज है कि आई थिंक आई मस्ट हैव अमेंड माय सेल्फ। मैंने खुद अपने आप को ठीक किया होगा। जब मुझे कभी गुस्सा आता है तो शी जस्ट जिप्स इट, तो उससे ये होता है कि मैं खुद ही अकेला बोल के थक जाता हूँ, तो देन आई गॉट गिव अप, थिंग्स गेट नॉर्मल। तो अभी तक राबिया आपको अपना उस्ताद तो नहीं समझती? इस वजह से चुप हो जाती हूँ, सहम जाती हूँ कि उस्ताद जी को गुस्सा ना आ जाए? मैं समझती हूँ, बिल्कुल टीचर समझती है अभी तक मुझे, मुझसे लर्न करती हैं। तो इन्होंने अपनी ज़बान पे काबू पाना तो सीख लिया, आप पे काबू पा गई? मुझ पे तो काबू पाया ही हुआ है, तभी मैंने 5वीं नहीं किया था। राबिया आपको क्या डर है? नहीं, मुझे डर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं। तो सर वैसे भी 4 शादियां तो है ना जाएगी, 7 आप रख सकते हैं उनको, मतलब अभी तो आपने 3 को तलाक दे दी। एग्जैक्टली, मैंने तो कभी भी 2 नहीं रखी, तो मेरे पास गुंजाइश है, ऐसी बात है। तो आते हैं प्रपोजल आते हैं आपको? वाकई आते हैं, सीरियसली। जब से वायरल हुआ लेकिन मुझे लड़के ने प्रपोज किया है। किया है प्रपोज? अच्छा, वैसे कितने खुश हो रहे हैं, मैंने तो आपको बताया था कि नहीं इनको किया होगा वो भी था आशा। I don't see her comments, she doesn't see my comments. कंप्यूटर का पढ़ाने आए थे और आपने केमिस्ट्री सीख ली? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ बस। दोनों के जो वालिदैन थे, क्या वो इस रिश्ते से राजी थे? अब इनके वालिदैन को भी रिजर्वेशंस कुछ थी, मेरे को भी थी, इनके थोड़ी ऑब्वियसली थी कि भी लड़का पहले 3 छोड़ चुका है। लेकिन आपकी राबिया से कोई चैटिंग वेटिंग कुछ भी नहीं हुआ? लाइव चैटिंग बात हुई थी, चैटिंग क्या करनी है, बस पढ़ती थी तो स्कूल में मेरे साथ क्लास पढ़ती थी मुझसे, तो वी टॉक इंटरेक्ट। अच्छा, आप हमेशा एक चीज कहती हैं, ये सारे के सारे ही अच्छे हैं, आप बोलती भी बहुत कम है, रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं आप? रियल लाइफ में मैं कम बोलती हूँ। कम बोलती हूँ, इसीलिए तो उनकी निभ रही है। कम ही लड़कियाँ होती हैं, कम बोलती हैं। सच बोलते हैं, झूठ कभी नहीं बोलते, और हर चीज़ मुझसे डिस्कस करते हैं क्योंकि हम मियाँ बीवी हैं। कुछ भी उन्होंने करना हो, चाहे वो काम के हवाले से, चाहे किसी चीज़ के हवाले से भी, तो ये मुझसे ज़रूर शेयर करते हैं कि ये करना है तो तुम्हारा क्या ख्याल है। अच्छा आमिर साहब, क्या पसंद है इनके हाथ का बना हुआ? अक्सर बना लेती हैं ये? नहीं अच्छा ही बना लेती हैं, इसलिए कुकिंग चैनल भी रन कर रही है, रैबिट अरबी टेस्टी फूड। मैं हमेशा ऑफिस पे चलाता हूँ टेस्टी अरबी फूड, तो कुकिंग चैनल भी इसलिए करती है, पकाने का शौक है। कभी सोचा था बचपन में, कभी ख्याल आया हो यार चार शादियाँ तो करनी के लिए, सुन्नत पूरी करूँगा और कुछ ना करूँगा? नहीं नहीं, ऐसा कभी एक के बाद भी नहीं सोचा, दो के बाद भी नहीं सोचा, तीन के बाद भी नहीं सोचा, मैं तीन के बाद तो चौथी सोचा था, लेकिन ऐसा प्लान नहीं किया। The phases went pretty quick actually, मेरी शादियाँ ज़्यादा देर नहीं रहीं। लाहौर आने के बाद विजिट किया स्कूल का आपने? स्कूल तो है ही नहीं, बंद हो गया हुआ। जैसे शादी स्कूल ही बंद हो गया। हमारी शादी के बाद ही बंद हो गया था। तो मुझे तो लगता है आपकी नजर ही इनके ऊपर। वो स्कूल तो मकसद सिर्फ एक ही था, बना शादी। की बातें सुन के ना बहुत सी लड़कियां यही सोच रही होंगी कि यार हम कहाँ लड़कों के चक्कर में पड़े रहते हैं, हमें भी आलमी दीन ढूंढने चाहिए। वाकई बहुत सारी लड़कियों ने मुझे मैसेज किए हैं कि भाई आपको देख के जो ना अब हम भी मुल्ला से खौफ कम हो गया है, क्योंकि तुमने देखा है दाढ़ी वाले बंदे की भी बीवी खुश रह सकती है। हाँ। बेसिकली खुश रहती हैं, लेकिन अक्सर वो कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्ट हो जाता है कि जो दाढ़ी वाला बड़ा स्ट्रिक्ट होगा। आप की उम्र से तकरीबन 20 साल का फर्क है इनका, ये 30 साल की, आप 50 साल के हैं। कभी गलती से बेटा इधर आओ तो नहीं कह दिया? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने पहले भी बताया था किसी इंटरव्यू में कि मेरी सारी मिसेज मुझसे छोटी थी। पहली बीवी मुझसे मेरी 5 साल छोटी थी, दूसरी 10, तीसरी 15, तो चौथी 20, तो मुझे तो कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। मुफ्ती कवी के बाद अब पेशे खिदमत है मुफ्ती आमिर खान साहब, इसके ऊपर आप लोगों को क्या कहना चाहिए? आई थिंक दैट्स नॉट फेयर, क्योंकि मुफ्ती कवी जो है वो आई थिंक उनके जो रिलेशनशिप्स थे, दैट वाजंट हर वाइफ राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी बीवी नहीं थी वो, तो वो ये तो मेरी बीवी है, निकाह में है। राबिया की कोई बुरी आदत? काफ़ी बुरी आदत है कि इनको, काफ़ी बुरी आदत, अब बहुत ज़्यादा लेट उठती हैं। ईद पे ना, ईद से ज़्यादा आप दोनों को मनाया जा रहा था पाकिस्तान। वहाँ पे भी ऐसे ही था, हर कोई कह रहा था कि ये लोग तो बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। जैसे हमारी वीडियो वहाँ पे वायरल हुई ना, तो बहुत उसमें वो ईद रिलीज थी, आमिर खान ने इस दफा मूवी नहीं रिलीज की, आमिर खान साहब ने टिकटॉक रिलीज करके। बहुत लोग आप लोगों को घूर घूर के देखते भी होंगे, कहीं वो स्टार स्टडेड मूवमेंट कहीं हुआ है? हम जानना चाहते हैं कि भाई आमिर साहब को आपकी कौन सी ऐसी अदा भाग गई, आप चुप करके अगर एक लड़की बैठी रहेगी कब तक बर्दाश्त होगी किसी से? नहीं, घर में इनके साथ तो मैं काफी बोलती हूँ, लेकिन ओवरऑल कि मैं चुप रहती हूँ किसी के सामने या किसी। तो आप दोनों फिर छमछम खेलते हैं, कुछ तो खेलते हैं। अच्छा, आप लोगों को क्या एडवाइस करेंगी कि हम उम्र से शादी करनी चाहिए या अपने से बड़े उम्र वाले जो मर्द है उससे शादी करनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि थोड़े मैच्योर इंसान से शादी करनी। कितना डिफरेंस कितना हो रहा है? 20-30 साल का डिफरेंस? 20 का तो चलो हमारा 20 का, मैं सबको तो 20 का नहीं कहूँगी, लेकिन 10 साल का 15 साल का आई गेस बुरा नहीं है। आप अब आयशा के, सॉरी राबिया के इर्द गिर्द, आयशा मेरे मुँह से निकल गया, मुझे लगता है कहीं 5वीं आयशा। तो ये वीडियो फिर वायरल हो जाएगी ऐसा ही? अल्लाह खैर करे, अब 5वीं का कोई चांस नहीं है मेरे होते हुए, नहीं है। अच्छा, ये तो अब आमिर साहब की जो हंसी है ना कहीं और ही जा रही है। एक आजकल वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई हुई है, एक मुफ्ती साहब है, मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब, उनका एक स्कैंडल वायरल हुआ है। क्या एक आलमे दीन को जब उसके ऊपर ये जुर्म साबित हो जाए, उसके बाद उसकी क्या सजा होनी चाहिए? डेफिनेटली एक्सट्रीम पेनल्टी होनी चाहिए, इफ इट इज अ फैक्ट। मैंने उसकी न्यूज़ देखी है, और ऑल द डिटेल्स, अगर वो वाकई फैक्ट है तो आई थिंक द लॉ शुड बी गो टू हिज एक्सट्रीम एक्सटेंड, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट ना हो। बंदा मुफ्ती है, ही इज़ नॉलेजेबल, he knows and he is mature, old enough to do such act, तो उसको definitely full extent पर punishment देनी चाहिए। Thank you so much राबिया, thank you so much आमिर साहब। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, हमारी इनके साथ नोजोक पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम, और इन लोगों को दें ढेरों प्यार। देखते रहिए लम्हा न्यूज़।